नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कुछ कुछ लोग का गर्दन बहुत काला होता है, जो उसको मेल समझ के रगड़ते रहते हैं, सोचते हैं कि ये अच्छे से रगड़ने से साबुन लगन से साफ हो जाएगा, लेकिन नहीं होता है। तो आज ऐसे ही टॉपिक में हम चर्चा करेंगे कि ये काले गर्दन क्यों होता है और इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है, इसका घरेलू नुस्खे यानी होम रेमेडीज क्या होता है, इसके बारे में आपको बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते टॉपिक, बने रहिए लास्ट तक। डार्क नेक यानी काले गर्दन का बहुत सारे कारण रहता है। फर्स्ट होता है ओबेसिटी, यानी किसी का वजन अगर ज्यादा है तो उसका गर्दन काला हो जाता है, उसके साथ साथ बगल भी काला हो जाता है, जिसको एकांथोसिस नाइग्रिकन्स बोलते हैं। एकांथोसिस नाइग्रिकन्स सिर्फ वजन ज्यादा होने से नहीं होता है, और कुछ बीमारियां भी हो सकता है, जिससे कि होता है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। लड़की लोगों का हार्मोनल इंबैलेंस की वजह से पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज होता है, जिसमें पीरियड का प्रॉब्लम होता है, इसके साथ साथ ओबेसिटी यानी मोटापा रहता है, गर्दन काला होता है, बगल भी काला हो जाता है। और एक तो फैमिलियल यानी कुछ कुछ फैमिली में पापा मम्मी बच्चे कुछ कुछ मेंबर्स का ऐसे गर्दन काला हो जाता है। और एक हो सकता है एक्सेसिव सन एक्सपोजर, यानी आप अगर धूप में बाइक चलाते हैं या धूप में ज्यादा काम करते हैं तो आपके गर्दन में धूप लगने की वजह से आपका ये गर्दन काला हो सकता है। लोग सनस्क्रीन लगाते हैं, चेहरे में लगाते हैं, यहाँ पे भी थोड़ा बहुत लगाते हैं, लेकिन ये पीछे लगाना भूल जाते हैं, जिसकी वजह से आपको सन प्रोटेक्शन नहीं मिलता है और गर्दन काला हो जाता है। कुछ हार्मोनल इंबैलेंस से भी हो सकता है, जैसे कि थायराइड का प्रॉब्लम, डायबिटीज में भी ये गर्दन काला हो सकता है। और कुछ लोग टाइट कलर वाला ड्रेस पहनते हैं, जिससे ये फ्रिक्शन होके रगड़ लगते लगते ये गर्दन काला हो जाता है। और कुछ ज्वेलरी यानी चेन पहनते हैं, बहुत सारा गोल्ड का ज्वेलरी पहनते हैं और उसको पहन के सोते हैं, उसके वजह से भी ये गर्दन में फ्रिक्शन होके रगड़ लग के भी काला हो सकता है। और कुछ बीमारी के वजह से भी हो सकता है, जैसे कि एक्जिमा, एटोपिक एक्जिमा होता है, नहीं तो नॉर्मल एक्जिमा से भी आपका गर्दन ये काला हो सकता है, जिसको बोलते हैं एटोपिक डर्टी नेक। एटोपिक डर्मेटाइटिस में ये प्रॉब्लम होता है, इसका वीडियो हमने बताया, आप देख सकते हैं। और एक होता है एलर्जी कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, यानी कुछ चीज लगने के बाद अगर यहाँ पे एलर्जी होता है, एक्जिमा होता है, ये जब हील हो जाता है यानी ठीक हो जाता है, एक होता है PIH यानी पोस्ट इंफ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन, इसके वजह से भी आपका गर्दन काला हो सकता है। कुछ मेडिसिन का साइड इफेक्ट से भी ये हो सकता है। ऐसे कौन कौन सा दवाई है जो खाने से आपका गर्दन काला हो सकता है, जैसे कि फर्स्ट होता है एंटीबायोटिक ग्रुप, जिसमें टेट्रासाइक्लिन, डॉक्सीसाइक्लिन, मिनोसाइक्लिन आता है। और क्या हो सकता है, ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स यानी गर्भ निरोधक जो टैबलेट होता है, गोलियां होता है, वो खाने के बाद भी ये गर्दन काला हो सकता है। कुछ एंटी मलेरियल्स मेडिसिन होता है, जैसे कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, इससे हो सकता है। और कुछ होता है जैसे कि एंटी हाइपरटेंसिव यानी ब्लड प्रेशर कम करने के लिए कुछ दवाई यूज होता है, उसमें भी ये हो सकता है। कुछ एंटी कैंसर दवाई, कैंसर में यूज होने वाला दवाई, उसके साइड इफेक्ट के तौर पर भी आपका गर्दन काला हो सकता है। स्टीरॉइड खाने के बाद भी ये काला हो सकता है। और एक होता है बहुत कॉमन पेन किलर, जिसको हम लोग बोलते हैं एनएसआइड्स, ये खाने के बाद भी आपका गर्दन काला हो सकता है। और लास्ट वाला एक कारण होता है कैंसर यानी मालिग्नेंसी, इंटरनल कैंसर के वजह से भी आपका गर्दन काला हो सकता है, जिसको मालिग्नेंट एकांथोसिस नाइग्रिकन्स बोलते हैं। कौन कौन सा कैंसर में ऐसा होता है, फर्स्ट होता है गैस्ट्रिक कैंसर, जिसको बोलते हैं स्टोमक कैंसर, और होता है लीवर और कोलन कैंसर। लंग कैंसर में भी ये प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है, लेकिन ये बहुत रेयर है, और ये एजेड लोग यानी उम्र हो जाने के बाद, बहुत उम्र के बाद ही ये प्रॉब्लम होने को दिखता है। तो ये तो हो गया कारण क्यों होता है, तो चलिए अभी चर्चा करते हैं इसका डायग्नोसिस, इसका हम कैसे पहचानते हैं कि ये किस वजह से होता है। जैसे आपने कारण जान लिया है, तो आप जब डॉक्टर पास जाते हैं, आपके स्किन के डॉक्टर पास जाते हैं, वो आपका पहले हिस्ट्री लेते हैं, पूछते हैं आपको फैमिली में किसी को है कि नहीं, आप कोई दवाई खाते हैं कि नहीं, आपका और कोई पीरियड का प्रॉब्लम है कि नहीं अगर लड़की हो तो, ये सब हिस्ट्री से वो थोड़ा बहुत आइडिया कर लेते हैं। इससे अगर नहीं होता है, वो फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, आपका वजन ज्यादा है कि नहीं, आपका BMI बॉडी मास इंडेक्स कितना है वो भी देखते हैं, गर्दन के साथ साथ आपका बगल या अंडर आर्म्स ये काला है कि नहीं वो भी देखते हैं, पूछते हैं। तो ये फिजिकल एग्जामिनेशन भी जरूरी है। फिजिकल एग्जामिनेशन में कैंसर का भी कुछ सिम्टम्स होता है, जैसे कोई अगर एजेड इंसान है, कोई उम्र ज्यादा हो गया है, किसी का कैंसर सस्पेक्ट करें, तो सिर्फ ये गर्दन काला नहीं होता है, वजन कम हो जाता है और डायरिया होता है, पेट में दर्द होता है, तो ऐसे जो भी कैंसर का सिम्टम्स है, जो भी साइंस है, वो डॉक्टर पूछते हैं और देखते हैं पेशेंट में। और लास्ट होता है टेस्ट, कुछ ब्लड टेस्ट करने को डॉक्टर आपको दे सकते हैं, जैसे कि आपका फास्टिंग ब्लड शुगर और फास्टिंग इंसुलिन, इससे आपका डायबिटीज है कि नहीं पता चलता है। थायराइड का ब्लड टेस्ट भी दे सकते हैं। PCOS पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज या कुछ कैंसर डिटेक्ट करने के लिए अल्ट्रासाउंड, CT स्कैन, MRI भी किया जा सकता है। तो ये सारे ब्लड इन्वेस्टिगेशन, फिजिकल एग्जामिनेशन और हिस्ट्री के बाद आपका डायग्नोसिस हो जाता है कि ये आपका जो गर्दन काला हो रहा है किस वजह से हो रहा है। तो जब डायग्नोसिस हो जाता है, इसके हिसाब से आपका ट्रीटमेंट भी स्टार्ट होता है।
तो चलिए जानते हैं ट्रीटमेंट के बारे में। जैसे कि आपका कारण होता है उसी हिसाब से आपका इलाज होता है। अगर किसी का वजन की वजह से होता है डॉक्टर आपको वेट कम करने के लिए सजेस्ट करते हैं। जैसे कि आपका खाना पीना में ध्यान रखना जरूरी है, आपका वजन कम करना है इसीलिए आपको फास्ट फूड और मिठाई ये थोड़ा कम खाना है, हाई फाइबर वाला खाना ज्यादा खाना है, साग सब्जी ज्यादा खाना है। अगर आपका टाइट कपड़े से होता है या ज्वेलरी से होता है तो इसको अवॉइड करिए। अगर कोई डिओड्रेंट या कोई कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस हुआ है तो आप उसको अवॉइड करिए, उसको मत लगाइए। अगर कोई दवाई की वजह से आपका साइड इफेक्ट हो रहा है, आप उसको पहचान लिए, डॉक्टर आपको बोल दिए, तो उस दवाई को बंद करके आप दूसरा कुछ दवाई ले सकते हैं। चलिए जानते हैं क्या क्या मेडिसिन इफेक्टिव है इस बीमारी के लिए। फर्स्ट होता है क्रीम्स, कुछ लगाने के लिए डॉक्टर आपको क्रीम दे सकते हैं। जैसे कि ग्लाइकोलिक एसिड आता है, ग्लाइकोलिक एसिड 6% 12% स्ट्रेंथ में अवेलेबल है, ये आप यूज कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें इसको कम क्वांटिटी यानी कम लेके लगाना है, बहुत ज्यादा लेके रगड़ना नहीं है, जिससे आपको इरिटेशन हो सकता है, खुजली हो सकता है, बर्निंग हो सकता है, लाल हो सकता है। तो धीरे धीरे टाइम बढ़ाना है और क्वांटिटी बढ़ाना है, कम लगाना है, कम टाइम के लिए पहले पहले लगाना है। ग्लाइकोलिक एसिड छोड़ के और जैसे दूसरा केराटोलाइटिक क्रीम यूज होता है, जो आपका स्किन का जो मोटा स्किन है उसको निकाल देता है, पतला करता है, जिसमें आता है यूरिया लैक्टिक एसिड वाला क्रीम आ सकता है। ट्रेटिनिन क्रीम मार्केट में अवेलेबल है, वो भी यूज किया जा सकता है। तो ये सारे स्ट्रॉन्ग क्रीम है, कैसे लगाना है आपका स्किन के डॉक्टर को बताएंगे। जब भी स्टार्ट करेंगे इसको कम टाइम पहले पहले लगाना है, फिर धीरे धीरे उसका टाइम बढ़ाते जाना है, फिर जब शूट कर जाएगा रात को आप लगा के इसको सो सकते हैं, लेकिन पहले पहले कम टाइम लगाइए। क्रीम में अगर ये इफेक्टिव नहीं है या क्रीम से पूरा पूरी नहीं जाता है तो आपके डॉक्टर आपको कुछ केमिकल पिल सजेस्ट कर सकते हैं। ये डॉक्टर के क्लिनिक में डर्मेटोलॉजिस्ट लोग करते हैं, जैसे कि ग्लाइकोलिक की पिल होता है, सैलिसिलिक की पिल हो सकता है, ट्राइक्लोरोसिटिक एसिड TCA पिल भी किया जा सकता है, नहीं तो रेटिनॉल वाला पिल भी डॉक्टर करते हैं, जिससे आपका स्किन का ऊपर वाला लेयर निकल जाता है और फ्रेश स्किन नया स्किन आता है। लेकिन याद रखिए इसको कोई पार्लर वगैरह में नहीं करना है, आपको एक क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट के पास, स्किन का डॉक्टर के पास जाके ही कराना है इसको। क्रीम के साथ साथ आपके डॉक्टर को लेजर भी सजेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि QCIS लेजर होता है, नहीं तो फ्रैक्शनल कार्बन डाइऑक्साइड लेजर भी यूज किया जा सकता है। लेकिन ये सारे ट्रीटमेंट आपका थोड़ा टाइम लगता है, एक दो सेशन में नहीं होता है, इसीलिए आपको पेशेंस रखना जरूरी है, ट्रीटमेंट के साथ साथ चलना जरूरी है। तो चलिए जानते हैं लास्ट में कुछ होम रेमेडीज के बारे में, घरेलू नुस्खे के बारे में, क्या क्या आप यूज कर सकते हैं घर में। आप हल्दी लेके उसमें कोई दही मिला सकते हैं, नहीं तो आप उसमें बेसन मिला सकते हैं, पेस्ट बना लीजिए, गर्दन में लगाइए, 10-15 मिनट या 20 मिनट रखिए, उसको फिर धो सकते हैं। सेकंड होता है लेमन यानी नींबू लीजिए, उसको कुछ हनी के साथ यानी शहद के साथ मिला के पेस्ट बनाइए और गर्दन में लगाइए, उस टाइम 10-15 मिनट रख के उसको धो लीजिए। लेमन हनी कॉड यानी नींबू दही और शहद तीनों मिला के भी आप पेस्ट बना सकते हैं और इसको लगा सकते हैं, लगाने के बाद 10-15 मिनट के बाद धो सकते हैं। ये हफ्ते में एक दो बार आप यूज कर सकते हैं, लेकिन ये सारे घरेलू नुस्खे जब भी आप लगाते हैं पहले थोड़ा सा जगह में लगा के पैच टेस्ट करिए, यानी देखिए आपको कुछ इरिटेशन एलर्जी होता है कि नहीं। कुछ कुछ लोग का ये शूट भी नहीं कर सकता है, जिससे आपको एलर्जी हो सकता है, इरिटेशन हो सकता है, वहां पे घाव भी हो सकता है, इसलिए जब भी स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा लीजिए, छोटा जगह में लगाइए। अगर आपको शूट करता है तो पूरा बड़े जगह में या फुल एरिया में लगा के इसको आप यूज कर सकते हैं। तो ये था डिटेल्स में डार्क नेक यानी काले गर्दन के बारे में। उम्मीद है आपको कुछ नया सीखने को मिला है और इसके रिलेटेड सारे डाउट आपको क्लियर हो गया है। अगर आपको ऐसा वीडियो अच्छा लगता है मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको कोई दूसरा टॉपिक के बारे में जानना है तो मुझे कमेंट करिए, इसका वीडियो हम बना के देंगे। तो अभी विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे कोई दूसरा टॉपिक के साथ। नमस्ते, जय हिंद।